अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। जो बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त है, भारत चीन सीमा पर हुए इस विवाद से जुड़ी हुई, चीन के सैनिकों ने की घुसपैठ की कोशिश, ये जानकारी है। बड़ी जानकारी कि भारतीय सैनिकों का चीन को मुंह तोड़ जवाब भी सामने आया। भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया चीन को, 300 चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया है भारतीय सैनिकों ने। चीन के सैनिकों ने की घुसपैठ की कोशिश, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया 300 सैनिकों को। काफी बड़ी संख्या में थे, भारत के सैनिकों से ज्यादा संख्या थी चीन के सैनिकों की, उसके बावजूद उन्हें खदेड़ दिया। हमारे साथ आशीष भी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, अभी और कोई जानकारी आपको सूत्रों के हवाले से इस पूरी झड़प के बारे में, कैसे ये फ्लैश पॉइंट इतना एग्रेवेट हो गया, कैसे जो स्थिति है वो यहाँ तक पहुँची, और ये क्योंकि लगातार बात हो रही है कि चीन अलग अलग समय पर अलग अलग मौसम में इस तरह की कोशिश कर चुका है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने ठंड के मौसम में ऐसा किया गया और इतना एस्केलेट हुआ वो। टेस्टिंग द वाटर सुमायरा, और ये कोशिश की गई थी चीन के द्वारा कि विंटर्स में भारत की प्रिपरेशन कैसी है, कहाँ कहाँ पर है, कितनी स्ट्रांग है, और जो रिएक्शन टाइम, ध्यान रखिएगा गलवान के समय पर रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा था कि कितनी सेना री इन्फोर्समेंट कितनी किसके पास पहुँच जाती है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जब आप गन नहीं फायर कर रहे हैं, जब आप वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नंबर, प्योर नंबर एक्चुअली डिसाइसिव फैक्टर होता है, और ये टेस्टिंग द वाटर के अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे में जब गलवान इंसिडेंट हुआ, फिर ब्लैक टॉप हमने रिकैप्चर किया, और उसके बाद में ये चीनी सेना के लिए बहुत एक बड़ा झटका है। लेकिन हम एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में भी, ये तो हम स्ट्रैटेजिक जो इंसिडेंट हुआ उसके पॉइंट ऑफ व्यू हम देख रहे हैं, हम उसकी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, लेकिन एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें, मुझे लगता नहीं, देखिए रशिया यूक्रेन युद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह से रूस और चीन साथ में आए हैं, ऐसे में इससे ये सब के बीच में चीन कोई भी बड़ी हिमाकत कर पाएगा, ये बड़ी बात है आशीष, बहुत ज्यादा उन्हें खामियाजा देखा जा सकता है। और अभी वक्त थोड़ा सा देना पड़ेगा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि अभी तक जो डेवलपमेंट है उसमें अभी आशीष जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि तवांग झड़प पर सेना की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से बयान आया है, वो बयान दिखाना चाहती हूँ। एलएसी के पास अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में जो कुछ जो हिस्से हैं उनको लेकर दोनों देशों के बीच किस तरह का विवाद है वो आपको बता रही हूं। दोनों तरफ से अपनी अपनी सीमा में पेट्रोलिंग होती है, ये सिलसिला 2006 से जारी है, और 9 दिसंबर यानी अभी दो तीन दिन पहले 2022 को चीनी सेना एलएसी के पास तवांग सेक्टर पहुंची, जिन्हें भारतीय सैनिकों ने मजबूती से रोका है, और उसके बाद दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हुई है, और दोनों तरफ के सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं, और झड़प के बाद दोनों तरफ के सैनिक पीछे हट गए। झड़प के बाद दोनों देशों के बीच, जी हाँ, दोनों देशों के बीच शांति बहाली के लिए फ्लैग मीटिंग भी हुई है, ये सेना की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भी जुड़े हुए हैं। मनीष, जानकारी ये सेना की तरफ से साफ साफ दी गई है कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम के तरफ से ऐसा नहीं है कि भारतीय जवान ही चोटिल हुए हों, चीन के जो सैनिक है वो भी घायल हुए हैं, लेकिन चीन ने अभी तक इस पूरे मसले पर चुप्पी साधी हुई है। मनीष, चले लग रहा मनीष की तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट देवना जी भी हैं। देवना जी, इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय सेना ने वो स्टेटमेंट दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक भारतीय नागरिक होने के नाते और भारत सरकार के जिम्मेदार और आर्मी के नाते, कि आखिर हो क्या रहा है एलएसी पर, लेकिन चीन की खामोशी क्या इशारा करती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पीएलए ने अपनी सेंट्रल कमीशन से प्लान्ड तरीके से परमिशन ली है। चीन की फौज कभी भी लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग के दौरान भारतीय सेना से झड़प नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि गलवान में क्या हुआ था। अब जो ये कर रहे हैं इसके कुछ मंशा हो सकते हैं। एक, चीन में जो अंदरूनी हालत है वो विगत कुछ हफ्तों से बहुत ही बिगड़े हुए हैं। शी जिनपिंग को समझ नहीं आ रहा कि वो चीन की आंतरिक सुरक्षा की तरफ ध्यान दे या चीन के लोगों को कंफ्यूज करके, जैसा कि वो अब कोशिश कर रहे हैं, उनका ध्यान भटकाएं। एक और चीज जो हुई है, अक्साई चीन में चीन ने देखा कि भारत जो है लद्दाख अक्साई चीन में बहुत ही मजबूती से डटा हुआ है, और इतने कोर कमांडर लेवल पे 15 राउंड बातचीत के बाद अब चीन ने देखा कि भारत जो है बैकफुट पर नहीं जा रहा है।
चीन ने हमारी सरकार और भारत की लोगों का जो दृढ़ निश्चय है उसको भांप लिया है। इसीलिए अब अरुणाचल बॉर्डर में तवांग के पास ऐसी छोटी छोटी गुस्ताखियां करके वो हमारा ठीक है ये जो गुस्ताखियां है शायद चीन भूल रहा है देवनाथ जी करने की कोशिश कर रहा है।